अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट एसीएसएस पास्ट पेपर 2024। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लोर द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स इन पाकिस्तान एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल, प्रपोज रेमेडियल मेजर्स एम्ड एट एनहांसिंग दिस सिचुएशन। ठीक है, तो प्रेजेंट सिचुएशन जो ऑयल सीड क्रॉप्स की पाकिस्तान के अंदर है, जो प्रोडक्शन ऑयल सीड की क्रॉप्स की पाकिस्तान में है, जिसमें सनफ्लावर है, कैनोला है या सोयाबीन है, तो वो जो है यानी ज़रूरत से बहुत कम है, और कंट्री जो है वो ज़्यादातर इस इंपोर्टिंग एडिबल ऑयल पर ही रिलाई करता है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, विच इज़ एक्सपेंसिव एंड इफेक्ट्स द इकोनॉमी। ठीक है, और नेक्स्ट जो इस पर फैक्टर्स हम देखेंगे जो इस इनसफिशेंट प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो इफेक्ट करते हैं, उनमें लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड लैंड, दो जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर वेट और कॉटन की जो क्रॉप्स हैं वो जो है अपने खेतों के अंदर जिनके ज़्यादातर ग्रो करवाते हैं, और ऑयल सीड्स की जो इसके लिए जो ग्रो करवाने के लिए जो लैंड होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इसके इस ऑयल सीड्स के लिए जो लिमिटेड लैंड है एक बड़ा फैक्टर है इसकी इनसफिशेंट प्रोडक्शन के अंदर, और दूसरा जो फैक्टर है वो लो यील्ड्स का है, यानी कि क्रॉप जो है वो लेस ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है तो बेहतर क्वालिटी के सीड्स यूज़ नहीं किए जाते इसके लिए, और जो फार्मर्स मेथड यूज़ करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड होते हैं। ठीक है, ये सेकेंड फैक्टर है ऑयल सीड्स का या ऑयल कमी का, और जो थर्ड फैक्टर है वो है लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, फार्मर्स जो है जो ग्रोइंग ऑयल सीड यानी कि क्रॉप्स के मतलब जो इफेक्टिव मेथड है उनके बारे में नहीं जानते, और वाटर शॉर्टेज है, नॉट इनफ वाटर फॉर इरीगेशन इफेक्ट्स क्रॉप ग्रोथ एंड पेस्ट एंड डिजीज, क्रॉप्स जो है ज़्यादातर डैमेज हो जाते हैं इंसेक्ट्स और डिजीज के यानी कि हमले की वजह से, और पुअर मार्केट प्राइसेस हैं, फार्मर्स जो हैं उनको बहुत ही कम प्राइसेस मिलते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए। ठीक है, और इसलिए वो इन क्रॉप्स को ज़्यादा उगाने के लिए जो है वो तैयार नहीं होते। और रेमेडियल मेजर्स जिसमें कहें तो ज़्यादातर लैंड जो ऑयल सीड्स के लिए होती है, इनकरेज फार्मर्स टू ग्रो मोर ऑयल सीड्स क्रॉप्स बाय गिविंग देम इंसेंटिव्स। ठीक है, फार्मर्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल सीड क्रॉप्स ग्रो करवानी चाहिए, और दूसरा जो है बेटर सीड्स हैं उनको हाई क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से, जो कि यानी कि ठीक है ज़्यादा से ऑयल प्रोड्यूस करें, और ऐसी सीड्स हों जो कि डिजीज के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस रखते हों, और इसके साथ जो फार्मर की ट्रेनिंग है वो भी नेसेसरी है। ठीक है, टीच फार्मर्स मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोइंग ऑयल सीड्स। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड इरीगेशन, डिवेलप बेटर इरीगेशन सिस्टम्स टू इंश्योर क्रॉप्स गेट इनफ वाटर, और इसके साथ साथ पेस्ट कंट्रोल है, सो इंट्रोड्यूस इफेक्टिव वेज टू कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज, और फेयर प्राइसेस भी ज़रूरी हैं ऑयल सीड्स की क्रॉप्स से ज़्यादा से ज़्यादा उसको उगाने के लिए और इसकी प्रोडक्शन को इनसफिशियंट बनाने के लिए, तो इंश्योर फार्मर्स गेट गुड प्राइसेस फॉर देयर ऑयल सीड क्रॉप्स टू मोटिवेट देम टू ग्रो मोर, और इसके साथ साथ इस ऑयल सीड्स की रिसर्च ज़रूरी है। ठीक है, इन्वेस्ट इन रिसर्च टू फाइंड बेटर वेज टू ग्रो ऑयल सीड क्रॉप्स, सो इन स्टेप्स से जो है वो पाकिस्तान इंक्रीज कर सकता है अपनी ऑयल सीड की प्रोडक्शन को, और जो उसकी इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, ये फार्मर्स को इस तरह से हेल्प करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इनकम को भी बेटर कर सकें, इनकम जनरेट कर सकें। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड कन्वेंशनल फार्मिंग अप्रोचेज। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग के दरमियान डिफरेंस बताना है, एंड एनालाइज द मेरिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ईच मेथड, एवलुएट फैक्टर्स such as environmental impact, yield and soil health to provide a comprehensive of the advantages and disadvantages associated with both approaches, would you recommend in Pakistan perspectives? तो जो डिफरेंस है ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल फार्मिंग के दरमियान, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इसमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ जिसमें कंपोजिट और मैन्यूर वगैरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, रिलाइज ऑन क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्यूर, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एंड अवॉइड सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इस तरह के जो फार्मिंग होती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, और इसके साथ साथ सॉइल हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी की प्रमोशन भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। और कन्वेंशनल फार्मिंग क्या होती है, यूज सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू बूस्ट क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो है ज़्यादातर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है जो कन्वेंशनल टाइप की फार्मिंग होती है। एम्प्लॉयज मोनोक्रॉपिंग वेयर द सेम क्रॉप इज grown year after year, and then often relies on genetically modified organisms. ठीक है, conventional farming ज़्यादातर जो है GMOs के ऊपर जो है वो depend करती है। इसके अलावा focuses on maximizing yield and efficiency.
मेरिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के. मेरिट्स क्या होते हैं? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, लेस पोल्यूशन एंड केमिकल रन ऑफ, बेटर फॉर वाइल्ड लाइफ. ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कन्वेंशनल फार्मिंग से अगर हम उसको कंपेयर करें तो ये ज़्यादा बेहतर है. इसका जो इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है वो बहुत कम है कन्वेंशनल फार्मिंग के मुकाबले में, यानी कि लेस पोल्यूशन जो है इसमें प्रोड्यूस होती है क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर्स जो हैं वो नेचुरली फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं और नेचुरल मेथड यूज़ किए जाते हैं फार्मिंग के लिए. और इसके साथ साथ सॉइल हेल्थ है जिसमें सॉइल की फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर भी इन्हेंस होती है इस तरह की फार्मिंग से. और इसके साथ साथ जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मीन प्रोड्यूस फूड विद फ्यूअर पेस्टिसाइड रेजिड्यूज. और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? ऑफन प्रोड्यूस लोअर यील्ड्स कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग और लेबर इंटेंसिव में रिक्वायर्स मोर मैनुअल लेबर एंड टाइम. ठीक है, और कॉस्ट इसकी क्या है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कैन बी मोर एक्सपेंसिव फॉर कंज्यूमर्स. ठीक, कंज्यूमर्स के लिए जो है ये इसके ड्रॉबैक्स हैं. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए. और कन्वेंशनल फार्मिंग के अगर हम मेरिट्स देखें तो इसकी यील्ड क्या है? टिपिकली प्रोड्यूस हायर यील्ड्स मीटिंग फूड डिमांड्स मोर इफेक्टिवली. ठीक है, हायर यील्ड्स है कन्वेंशनल फार्मिंग से हमें मिलती है. और उसके बाद इसकी एफिशिएंसी क्या है? लेस लेबर इंटेंसिव एंड मोर एफिशिएंट विद द यूज ऑफ मशीनरी एंड केमिकल्स. और इसकी जो कॉस्ट है वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के मुकाबले में कम है. ठीक है, और इसके ड्रॉबैक्स क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह बनता है, और क्योंकि इसमें आर्टिफिशियली मेथड्स, आर्टिफिशियली जो है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं तो ये इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं. ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज को ये रिड्यूस कर देते हैं इन्वायरमेंट से. और नेक्स्ट जो है इसका सॉइल हेल्थ के ऊपर है, इसका इफेक्ट है यानी कि सॉइल की क्वालिटी को ये टाइम के साथ साथ कम करती जाती है, डिग्रेड करती जाती है. और उसके साथ साथ हेल्थ कंसर्न्स हैं यानी पोटेंशियल हेल्थ रिस्क फ्रॉम पेस्टिसाइड रेजिड्यूज इन फूड. ठीक है, पेस्टिसाइड जो इन क्रॉप्स में यूज किए जाते हैं क्रॉप्स जो को बेहतर बनाने के लिए, इनकी प्रोडक्शन को और इनके डिजीज को जो है रिमूव करने के लिए, तो इस तरह से ये हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं. और उसके बाद इनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखें. ऑर्गेनिक फार्मिंग मिनिमाइज इन्वायरमेंटल हार्म, प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी एंड रिड्यूस केमिकल रन. ठीक है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है वो बेनिफिट्स हैं कि ये इन्वायरमेंटल हार्म बहुत कम है इसका, और ये बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, साथ साथ केमिकल रन ऑफ को रिड्यूस करती है. और कन्वेंशनल फार्मिंग कैन लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, सॉइल की हेल्थ को रिड्यूस कर देती है ये, वाटर पोल्यूशन की वजह बनती है और बायोडाइवर्सिटी भी लॉस हो जाती है. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो यील्ड है उसकी अगर हम डिस्कस करें उसको, तो लोअर यील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं विच माइट नॉट बी सफिशिएंट टू मीट हाई फूड डिमांड्स. ठीक है, हाई फूड डिमांड्स को ये फुलफिल नहीं कर सकती. और कन्वेंशनल फार्मिंग जो है जनरली प्रोड्यूस हायर यील्ड्स इंश्योरिंग मोर फूड प्रोडक्शन. और सॉइल हेल्थ की अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग से, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करती है एंड मेक इट मोर फर्टाइल एंड सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन. और कन्वेंशनल फार्मिंग कैन लीड टू सॉइल डिप्लेशन एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी ओवर टाइम. तो ये जो है डिफरेंस है इनकी यील्ड के अंदर और इनकी प्रोडक्शन के अंदर. तो रिकमेंडेशंस फॉर पाकिस्तान अ बैलेंस्ड अप्रोच माइट बी द बेस्ट. व्हाइल कन्वेंशनल फार्मिंग कैन मीट द इमीडिएट फूड डिमांड्स, इनकॉर्पोरेटिंग ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस कैन इंप्रूव लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. और इस तरह की जो फार्मिंग जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करके तो और इसके इन तमाम जो है क्रॉप्स की यील्ड्स को जो है इंक्रीज किया जा सकता है, इनके प्रोडक्शन को बेहतर बनाया जा सकता है. और मॉडर्न मेथड्स जो है वो यूज़ करने चाहिए ताकि जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है, सस्टेनेबिलिटी है, उसको इंक्रीज किया जा सके. इंकरेजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सर्टन एरियाज वाइल मेंटेनिंग कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस वेयर हाई यील्ड्स आर एसेंशियल कैन हेल्प अचीव अ मोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम. तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं. असेस द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली इट्स इफेक्ट ऑन क्रॉप पैटर्न्स एंड यील्ड्स, एंड प्रोवाइड एन एनालिटिकल ओवरव्यू ऑफ करंट प्रैक्टिसेस एंड प्रपोज स्ट्रेटजीज टू मेक क्रॉप मैनेजमेंट मोर रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज कंसीडरिंग अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स. ठीक है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ता है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के ऊपर और इसके जो है इफेक्ट्स क्या होते हैं क्रॉप के पैटर्न के ऊपर, उसके यील्ड्स के ऊपर, तो हम इसको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले इम्पैक्ट देखते हैं क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान एग्रीकल्चर के ऊपर, इफेक्ट्स ऑन क्रॉप पैटर्न्स एंड यील्ड्स. तो इसमें क्या होता है पाकिस्तान के अंदर सीजन्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, मीन के अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स जो है वो फार्मर्स के लिए यानी कि उनको उनके लिए जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और उनको जो है यानी कि कौन सी क्रॉप कब और कैसे जो है वो ग्रो करवाई जाती है. तो नेक्स्ट जो है वो इस तरह के डिसीजंस लेने में यानी कि उनको मुश्किलात
सामना करना पड़ता है। और नेक्स्ट जो है वो एक्सट्रीम वेदर है जो इसके ऊपर इफेक्ट करता है इन क्रॉप्स की प्रोडक्शन के ऊपर। मीन मोर फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड ड्राउट्स डैमेज क्रॉप्स एंड रिड्यूस यील्ड्स। और टेम्परेचर चेंजेस, हायर टेम्परेचर कैन हार्म सेंसिटिव क्रॉप्स एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। वाटर शॉर्टेजेस, जो रेनफॉल अगर रिड्यूस हो या मेल्टिंग ग्लेशियर्स, यानी कि अगर ग्लेशियर्स कम मेल्ट हो तो इस तरह से जो है वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है। और पेस्ट और डिजीजेस, तो वार्मर क्लाइमेट्स कैन इंक्रीज पेस्ट एंड डिजीजेस आउटब्रेक्स हार्मिंग क्रॉप्स। ठीक है, पेस्ट और डिजीज भी इस तरह से क्रॉप्स के ऊपर इफेक्ट करती है। और करंट प्रैक्टिसेस अगर हम देखें जिसमें ट्रेडिशनल फार्मिंग आती है, तो बहुत सारे फार्मर्स जो हैं अभी तक एज ओल्ड मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, क्लाइमेट के हवाले से। और उसके बाद इरिगेशन, रिलायंस ऑन आउटडेटेड इरिगेशन सिस्टम्स दैट वेस्ट वाटर। ठीक है, जो ओल्ड मेथड्स यूज़ किए जाते हैं इरिगेशन सिस्टम्स के अंदर भी, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वाटर वेस्ट हो जाता है। और क्रॉप सिलेक्शन, ग्रोइंग द सेम क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर विदाउट कंसीडरिंग चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का जो क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आते हैं कंडीशंस के अंदर, उनको मद्देनजर रखे बगैर हर साल एक ही जो है फील्ड के अंदर एक ही क्रॉप जो है उगाई जाती है, तो इस तरह से उसकी प्रोडक्शन के अंदर भी कमी आती है और जो पेस्ट और डिजीज का साइकिल है वो भी जो है ब्रेक नहीं हो पाता, तो बहुत ज़्यादा डिजीज बहुत ज़्यादा पेस्ट जो है वो इफेक्ट करते हैं क्रॉप्स के ऊपर। अडाप्टेशन मैयस इसके लिए देखते हैं, डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स प्लांट अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स दैट कैन विदस्टैंड डिफरेंट वेदर कंडीशंस। नेक्स्ट इज ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, यूज सीड्स दैट आर मोर टॉलरेंट टू ड्राउट एंड ड्राउट इन हाई टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे सीड्स यूज करने चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर को भी और जो है वो ड्राउट को भी जो है वो बर्दाश्त कर सकें और सर्वाइव कर सकें। इसके साथ साथ इम्प्रूव्ड इरीगेशन सिस्टम्स की इम्प्लीमेंटेशन नेसेसरी है, इसमें मॉडर्न इरीगेशन टेक्निक्स को यूज़ किया जाना चाहिए जिस तरह के ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, ताकि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेव किया जा सके। और चेंज प्लांटिंग शेड्यूल्स, एडजस्ट प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम्स टू मैच चेंजिंग वेदर पैटर्न्स। वेदर पैटर्न्स जो तब्दील होता हुआ वेदर पैटर्न्स है उसके मुताबिक प्लांटिंग को भी हार्वेस्टिंग को भी एडजस्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ मिटिगेशन जो मैयर्स हैं इकदाम हैं उसमें रिड्यूस इमिशंस है, यानी मिनिमाइज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स दैट कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैसेस। इस तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज जो है वो मिनिमाइज कर देना चाहिए, कम से कम कर देना चाहिए, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नेसेसरी हैं, अडॉप्ट प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन एंड एग्रोफॉरेस्ट्री टू मेंटेन सॉइल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। और इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम्स को यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है, जो कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर रिलायंस को रिड्यूस करता है। और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, इंप्लीमेंट नो टिल फार्मिंग टू रिड्यूस सोयल एरोजन एंड कार्बन लॉस। और जो पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर है, ठीक है, ये मोर रेजिलियंट इसको बनाने के लिए मीन के क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फार्मर्स को ऐसे प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए जो कि उसी वेदर कंडीशंस के मुताबिक हों, ठीक है, वेदर रियलिटीज के मुताबिक हों। अडॉप्ट मैयर्स दैट रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ फार्मिंग ऑन द एनवायरनमेंट एंड दिस इंक्लूड्स ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स यूजिंग ड्राउट रेजिस्टेंट सीड्स, इंप्रूविंग इरिगेशन एंड अडॉप्टिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो ठीक है, इस तरह के जो मेथड्स हैं इनको यूज करके पाकिस्तान के अंदर जो है इन क्रॉप्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, इनहेंस किया जा सकता है। सो पाकिस्तान कैन प्रोटेक्ट इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इस तरह के इकदाम से पाकिस्तान जो है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इस तरह के नेगेटिव इफेक्ट से बचा सकता है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आते हैं, एंड जो है इंश्योर कर सकता है फूड सिक्योरिटी को अपनी पॉपुलेशन के लिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट जेनेटिक। तो हम देखते हैं कि जेनेटिक जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इनका यूटिलाइजेशन और इनकी कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज क्या है, मीन के प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द वैरायटी ऑफ प्लांट्स दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग वाइल्ड स्पीशीज एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स। ठीक है, कंजर्व करना मीन के सेव करना जेनेटिक रिसोर्सेज को, मीन के ऐसे जो प्लांट्स की वैरायटीज हैं उनको प्रिजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना जो कि एग्जिस्ट करती हों, जिनके अंदर वाइल्ड स्पीशीज भी आते हैं और कल्टिवेटेड क्रॉप्स भी आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इनको कंजर्व करना, because it ensures that we have a diverse pool of plants that can adapt to changing environments, resist pests and diseases. और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं।
और इसके मेथड्स क्या हैं, जीन बैंक्स स्टोर सीड्स एंड प्लांट टिश्यूज इन कंट्रोल्ड कंडीशंस, और नेक्स्ट मेथड है इनको प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का, बॉटनिकल गार्डन्स ग्रो एंड मेंटेन अ वाइड रेंज ऑफ द प्लांट स्पीशीज एंड सेट कंजर्वेशन मीन प्रोटेक्ट प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। और इसकी यूटिलाइजेशन क्या है, इसमें ब्रीडिंग आता है जिसमें जेनेटिक रिसोर्स का यूज किया जाता है न्यू क्रॉप वराइटीज को डिवेलप करने के लिए विद डिजायरेबल ट्रेट्स लाइक हायर यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड ड्राउट टॉलरेंस। नेक्स्ट इज रिसर्च स्टडी प्लांट जेनेटिक्स टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके साथ साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की यूटिलाइजेशन नेसेसरी है जिसमें डाइवर्स प्लांट स्पीशीज को यूज किया जाता है टू क्रिएट मोर रेजिलियंट फार्मिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट हम पार्ट देखते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू मैनेजिंग सोइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स टू ऑप्टिमाइज क्रॉप यील्ड्स एंड मेंटेन सोइल हेल्थ। ठीक है, इंटीग्रेटेड जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है क्या है, एक होलिस्टिक अप्रोच है मैनेज करने के लिए सोइल फर्टिलिटी को, प्लांट न्यूट्रिएंट्स को, ताकि जो क्रॉप की यील्ड्स है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके और सोइल हेल्थ को भी मेंटेन किया जा सके। Why it's important, balanced nutrition ensure plants get all the necessary nutrients in the right amounts. Next is soil health, maintains and improves the soil fertility and structure. इसके साथ साथ sustainability है जिसमें यानी कि reduce जो dependency है वो reduce हो जाती है chemical fertilizers के ऊपर है, और इसमें जो है environment जो friendly यानी environment होता है उसको promote किया जाता है farming farmers के लिए। और इसके साथ साथ इसके जो मेथड्स हैं उसमें सॉइल टेस्टिंग है यानी एनालाइज करना सॉइल्स को डिटरमाइन करने के लिए न्यूट्रिएंट सीड्स और एंड अप्लाई फर्टिलाइजर्स अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन, तो डिफरेंट क्रॉप्स को जो है ग्रो करवाना जरूरी है ताकि सॉइल्स की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके और जो सॉइल के अंदर फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, और जो पेस्ट बिल्डअप है इससे वो भी रिड्यूस हो सकता है। और ग्रीन मैन्यूरिंग जिसमें ग्रो एंड प्लो अंडर सर्टेन क्रॉप्स टू एड ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ कैन इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट एड्रेस द कम्पीटिंग डिमांड्स फॉर वाटर इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक यूज। ठीक है, हाउ कैन इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट एड्रेसेस द कम्पीटिंग डिमांड्स फॉर वाटर इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक यूज एंड एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन वाटरशेड हेल्थ एंड वाटर अवेलेबिलिटी। हाउ कैन वी इंटीग्रेट साइंस एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट इन वाटरशेड मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट इज अ मेथड ऑफ मैनेजिंग द वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वाटरशेड। ठीक है, वाटरशेड के वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने का मेथड है। एन एरिया ऑफ लैंड दैट ड्रेन्स इनटू अ कॉमन वाटर बॉडी एंड दैट इज इन अ होलिस्टिक वे इट कंसीडर्स ऑल यूजेस ऑफ वाटर एंड एम्स टू बैलेंस द नीड्स ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक यूज। Addressing competing demands for water, efficient water use, implement techniques to use water more efficiently in all sectors. Next is agriculture, जिसमें drip irrigation systems को use किया जाना चाहिए, rainwater harvesting के method को use करना necessary है, और industry जिसमें recycles और reuse किया जाता है water को industrial process के अंदर, और उसके साथ साथ है domestic जिसमें water saving यानी कि appliances और fixed leaks इन methods को भी promote किया जाना चाहिए। वाटर एलोकेशन प्लान एंड रेगुलेट हाउ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट यूजर्स एंड प्रायोरिटीज एसेंशियल नीड्स लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज पोल्यूशन कंट्रोल, जिसमें वाटर सोर्सेज को कंटामिनेशन से प्रिवेंट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि जो क्लीन वाटर है इसके यूज को इंश्योर किया जा सके। इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज एंड प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस and impact of deforestation on watershed health and water availability. ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है हम इसको देखते हैं। इसमें क्या आता है, सोयल एरोजन आता है। ट्रीज क्या करते हैं, यानी कि एक ही जगह के ऊपर जहाँ पर एक ट्री होता है वो सोयल को होल्ड करता है, और ट्रीज जो है जब कट डाउन हो जाते हैं तो वो सोयल जो है यानी कि ऐसा ऐसा क्या हो जाती है, वॉश्ड अवे हो जाती है एंड देट लीडिंग टू द सेडिमेंटेशन इन रिवर्स एंड रिजॉल्व्स विच रिड्यूस वाटर क्वालिटी एंड स्टोरेज कैपेसिटी। और नेक्स्ट जो है रिड्यूस्ड वाटर इनफिल्ट्रेशन, ट्रीज हेल्प वाटर सोक इनटू द ग्राउंड रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर सप्लाईज, डिफोरेस्टेशन रिड्यूस दिस इनफिल्ट्रेशन लीडिंग टू लोअर ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड अल्टर्ड वाटर साइकिल, जिसमें ट्रीज जो है क्रूशल रोल प्ले करते हैं वाटर साइकिल्स के अंदर थ्रू ट्रांसपायरेशन। विदाउट देम लोकल क्लाइमेट्स कैन बिकम ड्रायर एंड रिड्यूसिंग ओवरऑल वाटर अवेलेबिलिटी। Increased flooding without trees to absorb and slow down rainfall, water runs off quickly, increasing the risk of the floods.
और नेक्स्ट जो है वो है इंटीग्रेटिंग साइंस एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। इसमें साइंटिफिक रिसर्च है जिसमें साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाता है टू अंडरस्टैंड करने के लिए मीन के वाटर शेड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें रेनफॉल पैटर्न आता है, सॉइल्स की टाइप्स आती है और वाटर यूजेज। कंडक्ट रेगुलर मॉनिटरिंग एंड डेटा कलेक्शन टू इन्फॉर्म मैनेजमेंट डिसीजन। और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जिसमें एजुकेशन जो है वो नेसेसरी है, जिसमें लोकल कम्युनिटीज को टीच किया जाता है अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर शेड हेल्थ एंड हाउ दे कैन हेल्प प्रोटेक्ट इट। और पार्टिसिपेशन जिसमें कम्युनिटी मेंबर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं डिसीजंस के अंदर, प्लानिंग के अंदर, ये के मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को किस तरह से जो है इनके प्रोसेस को इंश्योर किया जा सके किया जाए और किस तरह से जो है लोकल नीड्स को और जो है पब्लिक जो इनके सपोर्ट को गेन किया जा सके। और इसके साथ साथ कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कम्युनिटीज को इंगेज किया जाता है बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर, जिसमें ट्री प्लांटिंग है और इस तरह से यानी कि डैम्स को की जो चेकिंग है उसको मेंटेन किया जाता है और वाटर की क्वालिटी को भी मॉनिटर किया जाता है। सो इस तरह के जो वाटर शेड मैनेजमेंट के मेथड्स हैं मैनेजमेंट है ठीक है, इसको यूज करके हम एड्रेस कर सकते हैं कम्पीटिंग डिमांड्स फॉर वाटर एंड वाटर इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक यूज इफेक्टिवली। सो दिस अप्रोच हेल्प्स इंश्योर दैट वाटर इज यूज्ड एफिशिएंटली एंड सस्टेनेबली व्हाइल मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द वाटर शेड। So combining scientific research with community engagement ensure that the solutions are both technically sound and socially acceptable, leading to better long-term outcomes. Next hamara question hai, how effectively does the Pakistan forest policy integrate with the provision strategy goals are translated into actionable legal measures within that? Discuss any areas where alignment may be strengthened or improved for more coherent forest governance. और इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेस्ट पॉलिसी विद पाकिस्तान फॉरेस्ट एक्ट देखते हैं। इसमें पाकिस्तान फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, एम्ड एट कंजर्विंग फॉरेस्ट, इनहेंसिंग फॉरेस्ट कवर एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और इसमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फोकस किया जाता है, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड सपोर्टिंग लोकल कम्युनिटीज इसकी पॉलिसी में आता है। इसके साथ साथ जो है लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन एंड एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन टिम्बर हार्वेस्टिंग एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो इंटीग्रेशन के कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन है यानी पॉलिसी गोल इंक्रीज फॉरेस्ट कवर एंड प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। एक्शनेबल मेजर्स इन द एक्ट, द एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर डिक्लेयरिंग प्रोटेक्ट एरियाज एंड रिस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटीज दैट कैन हार्म द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सस्टेनेबल मैनेजमेंट जिसमें सस्टेनेबल को प्रमोट किया जाता है, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया जाता है ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज किया जाता है। एक्शनेबल मेजर्स इन द एक्ट मीन द एक्ट जो है वो रेगुलेट करता है टिम्बर हार्वेस्टिंग को और इंश्योर करता है यानी कि इसकी सस्टेनेबल मैनर। और इसमें जिस पेनल्टीज यानी कि इंक्लूड हैं इलीगल लॉगिंग के लिए। और कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट इसमें आता है जिसमें लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया जाता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। और इसमें जो है एक्ट अलाउ करता है कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को जिसमें लोकल कम्युनिटीज पार्टिसिपेट करती हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स के अंदर और यानी कि इससे क्या होता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज के अंदर फॉरेस्ट रिसोर्सेज को जो है प्रोटेक्ट करने में जो है वो इसके बेनिफिट्स इससे हासिल होते हैं और इसमें हेल्प मिलती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं एरियाज फॉर स्ट्रेंथनिंग अलाइनमेंट क्लियर डेफिनेशन एंड गाइडलाइंस इम्प्रूव नीडेड इंश्योर दैट बोथ पॉलिसी एंड द एक्ट हैव क्लियर डेफिनेशन एंड गाइडलाइंस फॉर टर्म्स like sustainable management and community involvement. Clarify what constitutes sustainable practices and how communities can legally use the forest resources. Monitoring and enforcement improved needed strengthen mechanisms for monitoring forest activities enforcing regulations ठीक है। और इसमें जिसमें funding और resources को increase किया जाता है forest rangers के लिए और develop किया जाता है robust system ताकि जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उनको ट्रैक किया जा सके। और इसके साथ साथ जो अडॉप्टिव मैनेजमेंट जिसमें जो है वो इनकॉर्पोरेट अडॉप्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड न्यू साइंटिफिक फाइंडिंग्स। और इसमें क्या किया जाता है कि रेगुलरली अपडेट किया जाता है पॉलिसी और एक्ट को जो कि जिनकी बेस होती है लेटेस्ट रिसर्च और फीडबैक के ऊपर ठीक है, जो कि स्टेक होल्डर से ऑब्टेन होता है। और उसके साथ कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज इनहेंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एस्टेब्लिश इंटर एजेंसी कमेटीज टू इंश्योर
that policies and regulations are consistently applied across different regions. ठीक है, ये एकदम बात किए जाते हैं. इसके साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन, इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड द रेगुलेशंस इन प्लेस. ठीक है, फॉरेस्ट और की इम्पोर्टेंस और इसकी रेगुलेशंस के मुताबिक जो पब्लिक अवेयरनेस है उसको इंक्रीज करना नेसेसरी है, ताकि फॉरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, और जिसमें एजुकेशनल कंपेन्स को लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि जिसमें स्कूल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं और जो मुख्तलिफ जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग मेन पोटेंशियल ऑफ द इको टूरिज्म इन पाकिस्तान. और जो सेकेंड पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी यानी पोटेंशियल ऑफ द इको टूरिज्म इन पाकिस्तान. तो हम देखते हैं कि इको टूरिज्म क्या होता है. इको टूरिज्म इज रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल टू नेचुरल एरियाज दैट कंजर्व द एनवायरनमेंट एंड इम्प्रूव द वेल बींग ऑफ लोकल पीपल. ठीक है, इको टूरिज्म क्या है, इज रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल्स टू नेचुरल एरियाज that conserve the environment and improves the well-being of local people. It focuses on sustainable tourism practices, environmental education and cultural respect. Potential in Pakistan. Diverse landscape. Pakistan has a rich variety of landscape. ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो landscape है वो मुख्तलिफ किस्म की है, जिसमें mountains भी include हैं, forest भी include हैं, deserts भी आते हैं, coastal areas भी हैं. So notable sites include the northern areas such as the Karakoram Range and Hunza Valley. Or cultural heritage, country has a rich cultural heritage with many historical and archaeological sites. इसके अंदर मोहनजोदड़ो, टेक्सला और लाहौर फोर्ट इंक्लूड है. वाइल्ड लाइफ जो पाकिस्तान के अंदर है, तो पाकिस्तान को जो है वाइल्ड लाइफ, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ का होम कहा जा सकता है, जिसके अंदर स्नो लिपर्ड्स इंक्लूड हैं, हिमालयन ब्राउन बीज, और इसके साथ बहुत से बर्ड स्पीशीज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं. प्रोटेक्टेड जो एरियाज हैं जिसमें नेशनल पार्क्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो इको टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा आइडियाज होते हैं. और एडवेंचर टूरिज्म में क्या आता है, अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवेंचर टूरिज्म सच एज ट्रैकिंग, इसके साथ साथ माउंटेनिंग एंड रिवर राफ्टिंग अट्रैक्ट नेचर लवर्स एंड थ्रिल सीकर्स. और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इको टूरिज्म कैन बूस्ट लोकल इकोनॉमीज बाय क्रिएटिंग जॉब्स एंड सपोर्टिंग लोकल बिजनेसेस. और कंजर्वेशन रेवेन्यू फ्रॉम इको टूरिज्म कैन बी यूज्ड टू फंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट नेचुरल एरियाज. नेक्स्ट इज एजुकेशन, इट प्रमोट्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एजुकेशन अमंग टूरिस्ट एंड लोकल कम्युनिटीज. ठीक है, और नेक्स्ट हमारा पार्ट है बायोडाइवर्सिटी क्या है. बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ including different species of the plants, animals and microorganisms and the genetic differences within these species and the ecosystems they form. ठीक है, biodiversity क्या है, life के ऊपर variety of अर्थ के ऊपर variety of life है, जिसमें अंदर different species plants के include है, animals include है, microorganisms आते हैं. तो genetic differences जो है इन species के अंदर मौजूद है, और ecosystems ठीक है, and the systems they form, ecosystems भी बनाते हैं. और इसके साथ साथ जो biodiversity है, biodiversity जो है वो बायोडाइवर्सिटी के जो बेनिफिट्स हैं, जिसमें इकोसिस्टम सर्विसेज है, बायोडाइवर्सिटी जो हेल्प करती है इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने में, और इस तरह से ये एसेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जिसमें क्लीन वाटर है, एयर है, फर्टाइल सॉइल है, और इसमें जिसमें फॉरेस्ट जो है वो हेल्प करते हैं प्योरीफाई करने में एयर को, और इस तरह से एनवायरमेंट को क्लीन बनाते हैं, और इसके साथ साथ क्लाइमेट को भी रेगुलेट बनाते हैं. और इसके साथ साथ जो बायोडाइवर्सिटी के और बेनिफिट्स हैं, जिसमें फूड और रिसोर्सेज हासिल होते हैं, जिसमें डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्पीशीज है जो कि प्रोवाइड करता है मेडिसिन, फूड, इसके साथ साथ रॉ मटेरियल्स और ऐसी जो क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक है, जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी खासतौर पर जो वाइल्ड स्पीशीज की जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसके ऊपर रिलाय करता है. और इसके साथ साथ पोलिनेशन, जिसमें बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स है पोलिनेटर्स लाइक बीज, बटरफ्लाइज दैट आर क्रूशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. Resilience, diverse ecosystems are more resilient to changes and can better withstand and recover from environmental stressors like diseases, climate change and natural disasters. ठीक है, ये biodiversity के जो है वो benefits हैं. और इसके साथ साथ इसके अगर economic benefits देखते हैं biodiversity के, तो biodiversity जो है industries को support करती है, mean के जिसमें agriculture की industry है, fisheries है और tourism है. और healthy ecosystems can attract tourists benefiting local economies. So इसके साथ साथ कल्चरल और रिक्रेशनल वैल्यूज हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो यानी कि नेचर के अंदर टाइम स्पेंड करना एंजॉय करते हैं, और बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं ठीक है, जो कि डीप कनेक्शंस जो है वो डीप कनेक्शंस रखते हैं यानी कि मुख्तलिफ स्पीशीज और इकोसिस्टम्स के दरमियान.
मेथड्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले जो है इनकी हैबिटेट को कंजर्व करना नेसेसरी है, जिसमें प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज टू कंजर्व हैबिटेट्स एंड स्पीशीज। इसके साथ साथ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड कंजर्व रिसोर्सेज। और इसके साथ साथ जो है रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स है, रिहैबिलिटेटिंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स एंड रेन इंट्रोड्यूसिंग नेटिव स्पीशीज टू रिस्टोर नेचुरल हैबिटेट्स। ठीक है, इस तरह के एकदम आदि करने से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। इसके साथ साथ लेजिस्लेशन और पॉलिसीज हैं, यानी कि लॉ और रेगुलेशन इन्फोर्स करना जो कि इंडिजिनस स्पीशीज को, हैबिटेट्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एजुकेट द पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड इनकरेजिंग एक्शंस दैट सपोर्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन, जिसमें यानी कि ऐसे इकदाम, ऐसे मैज को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है जो कि पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें, जिसमें कंट्रोलिंग एमिशंस है, ठीक है, और इसके साथ साथ वेस्ट को मैनेज करना है, और जिस तरह से यानी कि जो हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ किया जाता है उस यूज़ को कम से कम करना ज़रूरी है। तो इस तरह के जो है मेथड से, इस तरह के इकदाम इम्प्लीमेंट करने से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना नेसेसरी है, ठीक है, ताकि प्लांट की जो है हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है इससे, और इस तरह से जो फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, उसको भी बायोडाइवर्सिटी इंश्योर करने में हेल्प करती है।